गर्मा गर्म चाय और उसके साथ थोड़ा बहुत नाश्ता जो मिल गया ना, तो वाह भाई वाह, पूरा दिन जो है ऐसे एनर्जेटिक जाता है। जिस स्पीड से कोरोना इंडिया में बढ़ता जा रहा है ना, उसी स्पीड से धूप भी जो है सूरज की बढ़ती जा रही है। मतलब और कितने कठिन दिन आने वाले पता नहीं। हम तो घर के अंदर ही ठीक है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। पापा जो है सुबह सुबह सब्जियाँ दूध ये वो सब लेने के लिए बाहर गए हुए थे, तो पापा ने मुझे पूछा कि तुझे कुछ लाना है तो मुझे बता दे। आप इमेजिन नहीं करोगे मैंने क्या मंगाया, दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो बॉर्मिटा का डब्बा, मैंने ये मंगाया। पापा से कहा कि मिले तो लेते आना, सो एक किलो का डब्बा मिल गया और पापा ने ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हो के अभी बॉर्मिटा खाएगा क्या, तो गाइस क्या करें, अभी बचपन की जो कुछ कुछ आदतें होती ना वो बड़े होने के बाद भी नहीं जाती है। जैसे दूध में बॉर्मिटा मिला के पीने की मेरी आदत, जो शायद कभी नहीं जाएगी। सो बस क्या करूँगा, लॉकडाउन में दूध में बॉर्मिटा मिला के पीता रहूँगा। और बस कुछ दिन कुछ महीने पहले ना लोगों की ज़िंदगी एकदम टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर चल रही थी। लोग कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, काम पे जा रहे थे और घूमने फिरने जा रहे थे, मूवी देखने जा रहे थे, शॉपिंग करने जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव जा रहे थे, बहुत कुछ था जो लोग कर रहे थे गाइस, एकदम खुशी से ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है। और इसी बीच एकदम से कुदरत ने जो है, गौर से सुनिएगा, कुदरत ने जो है कोरोना वायरस के नाम का चाटा इंसानों पे कुछ इस तरह से बरसाया कि सारी इंसानों की खुशी जो है चकनाचूर हो गई, टूट गई, बिखर गई। वैसे तो अपनी जिंदगी में सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है। बस ये चश्मे को छोड़ के, ये चश्मे जो है यहां से टूट चुके और ये जो है मैंने देसी जुगाड़, अपना इंडियन देसी जुगाड़ जो लोग करते अपने इंडियन लोग, वो मैंने किया हुआ है। यहाँ पे धागा लिया और बांध दिया क्योंकि अभी तो कोई शॉप खुलेगी नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। सो लॉकडाउन तक जो है कुछ इसी तरह से अपने जुगाड़ करके मेरे को दिन काटने पड़ेंगे, बस काट रहे दिन। और ये गले में जो सांप की तरह मैंने डेटा केबल लपेटा हुआ था, ये भी टूटने वाला है। सो बस होप कर रहा हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक जो है ये दो चीज़ें एकदम ठीक से ठीक ठाक काम कर जाए, चलती रहे। बाकी सब तो ठीक ही है, बस गर्मी बढ़ रही है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि 4-5 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, मतलब वीडियो बना के मैंने अपलोड क्यों नहीं की यूट्यूब चैनल पे। सो उसका रीज़न ये था कि गाइस एक दिन सुबह सुबह में, 3-4 दिन पहले सुबह सुबह में मैं चाय पीने बैठा था, ठीक है, हाथ में एकदम गर्मा गर्म चाय थी और चाय जो है हाथ से छटक के, मतलब चाय का कप आता है ना कप, वो हाथ से छटक के सीधे गिरा यहाँ पे, यानी कि मेरे पैर पे, और चाय के छींटे हाथ पे उड़े और हाथ की हालत आप देख सकते हो, ये देखो ये हालत हुई हाथ की। और पैर पे जो चाय गिरी तो पैर की क्या हालत हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो पर्दा हटेगा और ये पर्दा हट गया, आप देख लो पैर की हालत जल गई। सो फिर क्या था, फिर तो 3-4 दिन आराम ही करना था तो आराम करना पड़ा है। 3-4 दिन आराम करने के बाद एक नया व्लॉग लेके आपके सामने आ गया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने 3-4 दिनों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ी हंसी मजाक धमाल तो अपनी चलती रहती है, तो एक एक मिनट के दो वीडियोस है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, जो मैंने 3-4 दिन के बीच में बनाए थे। Ha 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 ha
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो फिलहाल यही तक रखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पे, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आज तो कसम से मुंह दर्द कर गया, हंसी नहीं छूटेगी, मतलब हंसी आएगी नहीं। चलो सिंपल, टाटा बाय।